दोस्तों, एग्जाम से पहले आप किस फेल होने के डर को आप किस तरीके से कम कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी रिजल्ट होगा वो अच्छा ही होगा। देखिए, होता यह है कि आपके रिजल्ट आने वाला है, आपका कल रिजल्ट आने वाला है, तो मैं समझ सकता हूँ कि एंग्जाइटी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम अब ओवर हो चुके हैं, सारे एग्जाम क्लियर हो चुके हैं आपके, आपका रिजल्ट बस आने वाला है, तो अब कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब आपके हाथ में सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग होनी चाहिए। आपका जैसा भी रिजल्ट आता है उसे आपको हंस करके स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे वो आपके फेवर में हो या फिर नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इतना पड़ता है कि यदि आप अपने रिजल्ट से, यदि आप अपने आप को कोसेंगे, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उनका रिजल्ट बहुत बेकार आता है और वो जब एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते तो वो अपनी हार को, अपनी फेलियर को कभी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते और न जाने क्या क्या, कितने गलत कदम अपने उठा लेते हैं। एक बात बताइए, जब घर में विकलांग बच्चा पैदा होता है तो क्या हम उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते? बताओ आप, क्या माँ उस बच्चे को बाल आश्रम छोड़ने चली जाती है? नहीं जाती है। ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से फसल नष्ट हो जाती है खेत में, तो क्या किसान उसे एक्सेप्ट नहीं करता? जबकि अनाज हमारी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, चाहे जैसी भी प्रॉब्लम आ जाए उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपका रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका जीवन है। आप रहे तो न जाने कितने बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े जा सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, यदि आपने कुछ गलत सोच लिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने दिल से बोलो कि मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, मैंने पूरी जितनी मुझसे हो सकती थी मैंने उतना किया। अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मेरी कहीं ना कहीं कुछ कुछ गलतियां रह चुकी हैं जिनको मुझे सुधारना है। बस उन गलतियों के ऊपर आपको काम करना है। आपके अंदर कमी नहीं है, आप अब सिर्फ समुद्र के किनारे आप आ गए हो। आप हजारों मील चल करके आप समुद्र के किनारे आ गए हो, सिर्फ आपको अब छलांग लगानी है। आप उसके किनारे पर हो मेरे दोस्त, आप अब पीछे मत जाओ, क्योंकि हजारों मील चलने के बाद भी अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको हजारों मील वापस जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अब जस्ट जितना आपके पास रिमेनिंग काम बचा हुआ है, थोड़ी बहुत जो की कमियां हैं उनको आपको दूर कर लेना चाहिए। जब रिजल्ट आता है तो हाँ, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि यदि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है और रिजल्ट आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं आया तो डेफिनेटली इट विल बी अ लॉट ऑफ पेन। लेकिन आपको याद रख लेना चाहिए कि आपका रिजल्ट कई गुना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे ना, पेन जरूर होता है, लेकिन आप अपने ऊपर से भरोसा खत्म मत करिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अब कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं, ऐसा कोई विनर बता सकते हैं जो कभी फेल नहीं हुआ हो? बताइए। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो बॉडी है, आपका जो मानसिक, आपकी जो बुद्धि है, उसमें क्या होता है कि एक बार यदि आज आपने ये सोच लिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, इतनी सारी पढ़ाई करने के बावजूद भी आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो जीवन के अंदर याद रखना, आप डीमोटिवेट हो करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि यदि आप एक बच्चे को यदि गाली देंगे तो पक्की बात है कि वो एब्यूसिव लैंग्वेज यानी गाली का उत्तर आपको गाली ही मिलेगा। यदि आप उस बच्चे से प्यार से बोलोगे और उसका नाम नहीं, बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से उसका नाम लोगे, तो 98% केसेस में ऐसा होता है कि वो बच्चा भी आपसे प्यार से ही बोलता है, यस और नो। तो ऐसा ही हमारा दिमाग होता है। आप अपने दिमाग से जैसे बोलोगे, जैसे समझाओगे उसे, वैसा ही दिमाग रिएक्शन करता है, वैसी ही प्रतिक्रिया आपके दिमाग से आती है। अपने दिमाग को बोलोगे, अरे क्या हुआ, आपके सिर्फ एक या फिर दो नंबर से अगर मैं रह गया तो क्या हो गया, अरे आगे मेहनत करूंगा, और अब के सिर्फ एक दो नंबर से जिसमें मेरी मेहनत एक दो नंबर से मैं पीछे रह गया, तो जीवन के अंदर एक दिन वो ऐसा आएगा जब मैं एक दो नंबर से मेरिट में टॉप कर जाऊंगा।
दोस्तों आप हमेशा याद रखना, जीवन बहुत प्रीसियस गिफ्ट है, इसे डिप्रेस होकर मत गवाइए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, अपनी अपनी हमेशा पढ़ाई करते रहिए, बस पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई कभी भी जीवन के अंदर मत छोड़ देना दोस्तों। ये मेरा अपना अनुभव है कि जीवन के अंदर एक बात याद रखना मेरे दोस्तों कि जिंदगी के अंदर हर चीज आपको धोखा दे सकती है, लेकिन पढ़ाई और स्टडी मात्र एक ऐसी चीज होती है वो कभी जिंदगी में आपको धोखा तक नहीं दे सकती। आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, हर व्यक्ति, हर इंसान आपको धोखा दे सकता है, वो स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है ना, जो आपकी एजुकेशन है, वो जीवन के अंदर आपको कुछ न कुछ देती रहेगी, वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। जीवन बहुत अनमोल है, इसे आप व्यर्थ में ना गंवाएं। आप एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना कि मेरे दोस्त, मैं सबसे ये बोल रहा हूं, मुझे पता है कि आप कितना ट्रस्ट रखते हैं, कि खुद को कभी ना गिरने मत देना भाई। ये बात जीवन में याद रखना कि खुद को कभी गिरने ना मत देना, क्योंकि आपको पता है गिरी हुई इमारत की लोग ईंट तक निकाल ले जाते हैं और खड़ी हुई इमारत को कोई हाथ तक नहीं लगाता है। जीत और हार आपकी सोच पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। मान लो तो हार गए और ठान लो तो जीत गए, ये आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा। और जो पास होने वाले हैं कल, जो मुझे पता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए बड़ी बहुत सारी कमेंट्स आएंगी, उन सबका मैं पहले से ही धन्यवाद और थैंक यू बोलने वाला हूँ। पास होने वाले स्टूडेंट्स, वो जरा इस बात को सुने कि अपनी, आपको पता है कि अपनी पहली सफलता के बाद कभी भी आपको रेस्ट नहीं करना है। यदि आप अभी सफल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो आपको रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यदि अगर आपकी दूसरी बार यदि बाई चांस यदि आप फेल हो गए, तो बहुत सारे लोग आपके जो दोस्त बैठे ना, वो यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। तो यदि आप अपने चाहते हैं कि आपने जो भी कुछ किया है वो परमानेंट है और आपने बहुत मेहनत करके वो सफलता अर्जित की है, तो इस जितनी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप स्टॉप मत करना, क्योंकि आगे यदि आपकी ज्वाइनिंग हो भी जाती है तो उसके बावजूद भी एयरफोर्स के अंदर आपको आगे और भी पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करेंगे और जो भी रिजल्ट रहेगा उसे अपने दिल से लगा लेंगे। यदि कुछ गलतियां रही होंगी तो उनको सुधार करके आगे आने वाले चांस जो भी आपको मिलने वाला है उस एग्जाम के अंदर आप पूरी दम लगा देंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।